हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। आगे देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिले तभी आप इसको देख सकते हैं, कोई टाइम बाउंडेशन इसके लिए नहीं है, क्योंकि टैरो की रीडिंग सभी टाइमलेस होती हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग हम करने जा रहे हैं जिसमें हमने दो पाइल ली है। फर्स्ट पाइल येलो पाइल, सेकेंड पाइल है पिंक पाइल। येलो पाइल में अगर आपकी इनिशियल आती है तो ये पाइल आपके लिए है, अगर इसमें आपकी इनिशियल आती है तो ये पाइल आपके लिए है। जो भी आपकी पाइल है वो वीडियो को पॉज करके आप चुन लीजिए। फर्स्ट फाइल में है ए सी ई जी आई के एम ओ क्यू एस यू डब्ल्यू वाई, और सेकेंड फाइल में है बी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स जेड। जो भी पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या तो उस हिसाब से चुन लीजिए, या कलर के अकॉर्डिंग चुन लीजिए, या फिर इनिशियल के अकॉर्डिंग चुन लीजिए। तो आई होप गाइज आपने पाइल चुन ली होगी। तो चलिए फर्स्ट पाइल की रीडिंग शुरू करते हैं हम। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन मांग रही है। देखिए, मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि अभी आपकी लाइफ में सुधार आने वाला है। अभी तक आप बहुत उदास थे, बहुत ज्यादा निराश थे। आपको हो सकता है हेल्थ इशू भी हो, आप सो नहीं पा रहे हो, दिन और रात आप परेशान रहते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उसमें भी सुधार होगा। दूसरा, किसी काम को लेकर आप बहुत ही उदास थे कि मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, मेरी जॉब नहीं लग रही है, मेरा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको अभी क्लियरिटी मिलती चली जाएगी हर चीज में। दूसरी, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपको सक्सेस मिलेगी। दूसरा, मुझे यहां पर यह भी दिखाई दे रहा है कि जिस चीज में आपको ऐसा लगता था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो काम आप कर पाएंगे। आपको किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई समस्या आ रही थी, तो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड समस्या भी दूर होगी। आपको पता चलेगा कि मुझे इस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, यहाँ पर दिक्कत आ रही है, यहाँ पर कमी है, तो आप उसको भी सुधार कर पाएंगे। दूसरा, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी आप इमोशनली हर चीज़ को हैंडल नहीं करेंगे। इससे पहले तो आप इमोशनल हो जाते थे हर चीज़ को लेकर के, और अभी आप इमोशनल नहीं होंगे। आप ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले बन गए हैं अभी। अब ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप इमोशनल ज्यादा थे और हर चीज को लेकर के भावुक हो जाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। आप अभी कट टू कट बात कहेंगे, आप अभी जो भी बात कहनी होगी मुंह पर बात कहेंगे, और आप घबराएंगे नहीं, इमोशनल नहीं होंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हर चीज को लॉजिक तरीके से लेंगे कि ये चीज क्यों हो रही है मेरी लाइफ में, इसका जवाब मुझे चाहिए, ये सब कुछ कैसे ठीक होगा। तो वो क्लियरिटी भी आपको मिलती चल जाएगी कि किस तरह से वो ठीक होगा, वो सब चीजें आपको पता चल जाएगी। दूसरा, मुझे यहाँ पर फाइनेंशियली जो दिक्कतें आपकी लाइफ में चल रही थी, वो अभी यहाँ पर मुझे खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको किस तरह से काम करना है, किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है, जॉब में आपको क्यों आप अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। तो हर चीज में आपको दिक्कत जो आ रही थी ना, वो सब क्लियरिटी मिलती चली जाएगी। आप जो उदास थे, नहीं सो पा रहे थे, रात को नींद नहीं आती थी आपको, बहुत एंजाइटी डिप्रेशन आपको लगता था, बहुत पेन होता था, बॉडी में पेन होता था, तो वो सब कुछ भी ठीक होगा। आपके पेट में कोई दिक्कत थी, ठीक है, आपके गले में कोई दिक्कत थी, तो वो भी ठीक होती जाएगी, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो वो भी ठीक होती चली जाएगी। और अभी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन पर आना है। तो वो कैसे आएंगे, वो जब जैसे जैसे क्लियरिटी मिलेगी हर चीज में, आप आगे बढ़ेंगे, सक्सेस प्राप्त करेंगे, और आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन पर आ जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा गाइज, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है और आना चाहता भी है। जब तक आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे पूरी तरह से, तब तक आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चलेगा, यहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये जो क्लियरिटी मिलेगी, आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो आप फुली ट्रांसफॉर्म हो जाइए। और ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आना चाहता है, तो आप जो है कंफर्ट जोन को छोड़िए, ट्रांसफॉर्म हो जाइए, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं कि क्या आ रहा है। देखिए, आप अपने पैशन को फॉलो करिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये बताई जा रही है कि पैशन को फॉलो करिए। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप उदास होकर बैठ जाती हैं, थोड़ी देर काम करती हैं, फिर उसके बाद फिर से बैठ जाती हैं। या तो आपको अपनी फैमिली याद आती है, या आपकी मदर याद आती है,
किसी की मदर नहीं रही है तो मुझे यहाँ पर बहुत पेन फील हो रहा है मुझे इस कार्ड से। उनकी मदर तारा बन गई है तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी मदर भी यही चाहती है कि आप अपने पैशन को फॉलो करें। हो सकता है कि आप बहुत पहले कुछ काम करना चाहते हो टीचिंग से रिलेटेड, तो वो काम कंप्लीट करिए। ठीक है, अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में, खुशियां आएंगी, पैसा आएगा, बहुत बहुत पैसा आएगा, चिंता ना करें आप बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आई होप गाइस ये रीडिंग आपसे रेजोनेट ही रेजोनेट, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर टू, जिन्होंने पाइल नंबर टू को चुना है उसकी हम रीडिंग देखेंगे। जिन्होंने भी पाइल नंबर टू, चलिए कार्ड निकाल लेते हैं आपके। बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। देखिए मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि गाइस कि आप इंडिपेंडेंट बनते जा रहे हैं। सेकेंड पाइल में भी मुझे बहुत अच्छे कार्ड मिले हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, आप अपनी स्किल को पॉलिश कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जितना ज्यादा हो सके अपने स्किल को पॉलिश करने में लगे हुए हैं। मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आपकी लाइफ में बैलेंस बन रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। और मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जो भी स्किल आपके पास में है उसको पॉलिश करिए। जितना टाइम आप अपने स्किल को पॉलिश करने में देंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, और उस पर जुट जाइए। जो भी काम आपको आता है ये आपको अच्छे से पता है। कोई पेंटिंग करनी आती होगी आपको, कोई ड्राइंग पेंटिंग, या फिर कोई म्यूजिक आता होगा, या फिर टीचिंग करना आता होगा, या कोई भी काम, कोई भी काम जो आपको आता है, मूर्ति बनाना आता होगा। ठीक है, या कोई घड़े वगैरह बनाना आता होगा, कुछ भी तो आता होगा, आप मेल फीमेल कोई भी हैं, कुछ भी तो आपको आता है। आप बुरा मत मानना जो मैंने नाम लिया है, या कोई और भी आपके पास स्किल होगी, म्यूजिक आपको आता होगा, जितना रियाज करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइज कि आप अपने स्किल को जितना पॉलिश करेंगे उतना ही उसमें निखार आता चला जाएगा, और आपके काम की वाहवाही होगी, आपको उससे ज्यादा पैसा मिलेगा। दूसरा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको रातों को नींद नहीं आ रही है सोच सोच के कि मेरा कोई काम नहीं चल रहा है, कोई काम बन नहीं रहा है, तो उसकी भी चिंता छोड़ दीजिए। एंग्जायटी डिप्रेशन में जा रहे हैं आप, ये भी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इसी वजह से सो नहीं पा रहे हैं कि आपका कोई काम नहीं बन रहा है। लेकिन आपने उस पर ज्यादा मतलब उसके लिए हार्डवर्क नहीं किया, आपने हार्डवर्क नहीं किया, आपने स्किल को पॉलिश नहीं किया। जैसे आपके पास में स्किल थी उसी तरह से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया चांद पर पहुंच रही है और आप वहीं के वहीं हैं, तो कैसे काम चलेगा। आपको भी अपने कॉम्पिटिटर्स को देख करके उस पर काम करना है, और जो भी स्किल आपके पास में है, चाहे कैसी भी कला आपके पास में है, चाहे आप कम्युनिकेट करके किसी को कुछ कहानी के माध्यम से बता रही हैं, तो भी आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, आपका गला एकदम सही होता चला जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग, जैसे मैं भी आ गई हूँ, आप भी आ गए हैं, हम अटक अटक करके बोलते हैं, कई बार हम लोग भावुक हो जाते हैं, कई बार हम किसी तरह से भी देख लीजिए कि आप, तो वो अच्छी तरह से इंप्रेशन नहीं डाल पाता सामने वाले बंदे के ऊपर। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो भी स्किल आपके पास में है वो उसको पॉलिश करिए, एक बार, दो बार, चार बार, जितने बार भी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस करिए, वो सब कुछ ठीक होता चला जाएगा फिर। ठीक है, और बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, इमोशनल भी और लॉजिकल, जो तरीके से जो आप दोनों पार्टनर ले रहे थे, एक लॉजिकल तरीके से देख रहा था और एक इमोशनली होकर के देख रहा था, तो उसमें भी बैलेंस बनेगा आपकी लाइफ में। एंजल्स सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है, बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, खुशी आएंगी, और आप जो है इंडिपेंडेंट बनेंगे, आपके पास फाइनेंस होगा, आपके पास स्टेबिलिटी होगी। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपका रिलेशनशिप भी आगे जाएगा, आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, आपके बच्चे, आप और आपका पार्टनर जो है वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस आपके रिलेशनशिप में भी ग्रोथ मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है, तो आप चिंता ना करें बिल्कुल भी।
ये जो पेनफुल साइकिल आपकी लाइफ में चल रही थी, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो रहे थे, रातों को सो नहीं पा रहे थे, हेल्थ इशू हो रहे थे, जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही थी उसका वो कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं और वो साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अभी तक आपकी लाइफ में पार्शियलिटी चल रही थी, लेकिन अभी पार्शियलिटी नहीं होगी आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको कुछ भी बराबर नहीं मिल रहा था आपकी फैमिली में, चाहे आपके आपके हस्बैंड दो भाई हों या एक हों, या आपकी सास और आपके बीच में, या किसी भी तरह से लगा लीजिए आप, मेल फीमेल कोई भी, या किसी भी तरह से आपके साथ में पार्शियलिटी हो रही थी, तो वो अभी खत्म हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लोगों की प्यास तो बुझती ही नहीं है, तो यूनिवर्स सब कुछ देख रहा है, तो यूनिवर्स आपको वो न्याय देगा, जस्टिस आपके साथ में होगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोग भी बातें कर रहे हैं, लोगों को सब पता है कि आपके साथ में अन्याय हो रहा है, आपके बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग, अभी आपके साथ में न्याय होगा, और आप चिंता ना करें, अपने काम पर फोकस्ड रहिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने स्किल को पॉलिश करिए, आपके लाइफ में खुशियों की बरसात होगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, आपके मदर फादर की ब्लेसिंग भी आपको मिल रही है, चाहे वो अभी तारा बन गए हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, जिसके मदर फादर अभी हैं उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिल रही हैं, ठीक है। और ऊपर से भी जिनके मदर फादर तारा बन गए हैं उनकी ब्लेसिंग भी आपके ऊपर आ रही हैं। अभी आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी कि आपके साथ में जो पार्शलिटी हो रही थी वो अभी नहीं होगी, अभी आपकी लाइफ में खुशी आएंगी, जस्टिस आपको मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके दो बच्चे हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की हो सकती है, या फिर दो लड़के हो सकते हैं, ठीक है। तो चिंता ना करें, आपके बच्चों को और आपको जस्टिस मिलेगा। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग, आई होप गाइज रीडिंग आपसे रेजोनेट ही रेजोनेट, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।